करिए। चलिए सर, कुछ बड़ा सवाल, कुछ बड़ा हो जाए। ठीक है सर, कुछ बड़ा हो जाए। चलिए, कितने प्रोसेस? अगेन सर, दो प्रोसेस है, ज्यादा प्रोसेस है नहीं, तो दो प्रोसेस बना लेते हैं। चलो साहब, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। लीजिए, दो प्रोसेस खटाखट तैयार। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहता है सर? सवाल में कहना क्या है? बड़ा आसान सवाल है। सवाल कहता है हमारा कि प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंसर्न प्रोसेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी, देन फिनिश स्टॉक। फिर जैसे ही ए और बी में जाता है, फिर माल तैयार हो जाता है। इट इज असर्टेन, पाया गया ईच प्रोसेस नॉर्मली 5% टोटल वेट लॉस। ओके, ध्यान दीजिएगा, टोटल वेट का लॉस होता है, वेट का लॉस, एंड 10% स्क्रैप भी होता है। ओ माई गॉड, दो दो लॉस हो गया, एक हो गया वेट लॉस, एक हो गया स्क्रैप। अभी देखेंगे इसको। ए एंड बी का जो रिलाइज होता है 80 रुपए पर टन होता है। पिछले सवाल में था 50 रुपए में बिक जाएगा, इस बार पर टन के यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरे का 200 रुपए। ओके, फिगर दे रखा है, मटीरियल का खर्चा दे दिया सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन रुपीज दे दिया, यानी मटेरियल टन्स में है, और एक कितने का है पर टन दे रखा है, तो इसको गुणा करके हम खर्चा निकाल सकते हैं। सर वेजेस दे दिया, सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया, प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर टन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस का पर टन खर्चा भी निकालना जैसे हमने पहले निकाला था। देयर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अच्छा सर, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल। सर कितना होगा? हम नॉर्मल लॉस के भी बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद बस। 1000 × 125 कितने हो गए सर? 1000 × 125, गणित बता दो। 1000 × 125 तो हो गया 1,25,000। 1,25,000 वेजेस, वेजेस। अब वेजेस कितना है सर? 18,000। वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? एक मिनट देना बस। सॉरी स्टूडेंट, एक काम आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन तो खत्म ही करेंगे। जो भी काम आ गया, काम तो काम आता ही रहता है, जिंदगी जब तक है तब तक काम आता रहेगा। ये लो सर, आइए सर, 6,000। इसके बाद नॉर्मल लॉस की बात करेंगे सर। अब लॉस की बात करते हैं। लॉस सर, यहां लॉस दो प्रकार के होते हैं। एक लॉस वो जो कि दिखता है, एक लॉस वो जो कि दिखता है, एक लॉस वो जो कि नहीं दिखता। मतलब सर, जो कि नहीं दिखता, ठीक है? अब मेरी एग्जांपल समझना, मेरा बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैं एक, मेरा एक मदर डेयरी है, या फिर डेयरी मान लो, मैं एक दूध वाला हूं, मैं दूध वाला हूं, और दूध वाला मैं घर से दूध लेके निकला, घर से मैं दूध लेके निकला, और मैं सुबह सुबह निकलता हूँ 5 बजे। 5 बजे सुबह सुबह उठ जाता हूँ मैं, और 5 बजे सुबह सुबह मैं एक कंटेनर के अंदर मैं मिल्क लेके निकला, और पूरा भर के निकला, मिल्क मिल्क भर के निकला। और भाई साहब, इसमें पता है कितना मिल्क है? ईमानदारी से कोई पानी नहीं मिला था मैं, इसमें 50 लीटर मिल्क है, 50 लीटर। मैं बेचता जाता हूँ, बेचता जाता हूँ, शाम हो जाती है बेचते बेचते, और शाम तक अगर दूध को हम उबाले ना तो फट जाता है, पता है? और डेली का 1 लीटर दूध तो फट ही जाता है सर, 1 लीटर दूध फट जाता है। अब 50 लीटर को मैं बेचने गया, जैसे ही मैं क्या करता हूं,
दूध डालता हूँ मैं किसी का, जो बर्तन लेके आते हैं, डाला 1 लीटर, तो सामने वाला व्यक्ति पता है क्या खड़ा रहता है, बोलता है थोड़ा तो एक्स्ट्रा डालो, एकदम नाप तोल के सोने की तरह थोड़ी तोलोगे आप। सामान लेने जाओगे, आलू प्याज लेने जाओगे, अगर 1 किलो डॉट दे दिया ना, गुस्सा आ जाएगा आपको कि यार 1 किलो दे रहा है, 10-20 ग्राम फालतू दे, तो क्या होता है, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, एक आलू डाल दोगे, ये भी डाल दे यार क्या हो गया तेरा। तो वही कहानी है, जैसे ही मैं दूध देने जाता हूँ तो हर किसी को मुझे 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम तो फालतू देना ही पड़ता है, 1 किलो फिर अलग से। इसका मतलब सर यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे लॉसेस है, 50 किलो में से मैं मात्र 48 किलो ही बेच पाता हूँ, 48 किलो ही दूध बन पाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो चला जाता है। वो वाला लॉस हो गया हमारा वेट का लॉस, वो हो गया वेट का लॉस, ठीक है। बाकी मान लो 1 किलो दूध मेरा बच जाता है जो कि फट जाता है, इस दूध को जब फट जाता है तो मैं हलवाई के पास जाता हूँ, बोलता हूँ भैया मेरा हर दिन 1 किलो दूध फटता है, आप ये ले लो, आप इससे अपने रसगुल्ले बना लेना, फटे हुए दूध का पनीर बना लेना, जो मर्जी बनाना है बना लेना। तो मुझे 1 किलो दूध पड़ता है 50 रुपए का, और मैं फटा हुआ दूध उसको बेच देता हूँ 10 रुपए में, तो हलवाई भी ले लेता है। तो यहाँ देखो दो प्रकार के लॉसेस हो गए, एक लॉस ऐसा था जो 10-10 ग्राम दे रहा था, तो वो लॉस तो हमारे गायब हो गए, क्या उस लॉस को बेच पाएंगे, वेट लॉस को क्या बेच पाएंगे? दुकान के अंदर सामान रखा होता है, कुछ सामान चूहे खा जाते हैं, क्या उसको हम बेच पाएंगे? जवाब नहीं। तो जिस जो नहीं दिख रहा हमें, यानी धीरे धीरे दे रहे हैं, तो इसको नहीं सोल्ड किया जा सकता। जो हमें दिख रहा है, सॉरी जो दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है उससे तो नहीं, लेकिन जो दिख रहा है दूध फटा हुआ हमें दिख रहा है कि यार ये भी हमारा लॉस है और डेली का पर डे होना ही होना है, इसको मैं बेच दूंगा, तो इसको बेचा जा सकता है। तो याद रखिएगा वेट लॉस कभी भी नहीं बिकेगा, और अगर आपका नॉर्मल स्क्रैप है तो वो क्वेश्चन कहेगा तो हमारा बिक जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन कहेगा तो क्या होगा, बिक जाएगा, क्वेश्चन कहेगा तो बिक जाएगा। यानी क्वेश्चन ने कहा यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे नॉर्मल लॉस, एक तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस कहता है कि 10% है जो स्क्रैप बिकेगा, 10% किसका, 1000 का 100। एक कहता है वेट लॉस, कितना है सर वेट लॉस, 5%, तो 5% किसका सर, 1000 का 5/100, तो ये हो गया 50, तो ये वाला तो नहीं बिकेगा, ये बिक जाएगा। इसको क्वेश्चन में कहता है कितने में बेचना है सर, बेचना 80 रुपए पर टन है, 80 रुपए पर टन है, तो ये कितने का बिकेगा, 8000 का बिकेगा, मतलब 80 × 100 कर दिए। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। बाकी का सारा सामान चला जाएगा प्रोसेस, प्रोसेस बी में सर कितना आ गया, 10,000 सर, 1,25,000, 18,000 और 6,000, 1,25,000, 18,000 और 6,000, 1.5 लाख, 8×6=14, कैसे हो गए ये, 1,25,000, 18,000 और 6,000, वही कहो 149, 1 लाख नहीं, 1 लाख क्यों, 1,000, 1,000, 149 माइनस 141, ठीक है, इसका कोई भी नहीं होगा। अब फटाफट से हमारे पास आ जाएगा सर प्रोसेस ए से आए, कितने यूनिट आए प्रोसेस ए से, आप यूनिट की बात करो 150 निकल गए, तो दैट इज 850, कितने यूनिट आए 850, 850 यूनिट कितने का पड़ा, 141 का। अब यहां पे अपने कुछ खर्चे हैं जैसे कि लेबर यानी वेजेस, सर कितने वेजेस खर्च होंगे प्रोसेस में, 12,000। इसके बाद देखा जाए तो 6,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सर 6,000, ठीक है सर। और सर इसमें नॉर्मल लॉस होगा, जी हाँ होगा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, सब इनपुट का निकलता है, 850 का 10%, दैट इज आपका हो गया 85 यूनिट। सर वेस्टेज भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, वेट लॉस सर कितना होगा, 850 का 5%, तो 850 का 5% पॉइंट में तो नहीं आएगा, 43 आ रहा है, 43 रख लेते हैं सर। 85 यूनिट को बेच दिया जाएगा, कितने में बेचेंगे 85 यूनिट को कितने में। सवाल कहता है कि सर 85 यूनिट को 200 रुपए पर टन बेचो दूसरे वाले को, कैसे बेचना है 200, तो 200 10/100, ठीक है, × 200, तो ये बिक गया 17,000, बहुत महंगा बिका ये। इसके बाद ये तो नहीं बिकेगा, बोला अगले प्रोसेस में जो भी सामान जाएगा वो फिनिश्ड हो जाएगा, उसको कहीं भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो इसको फटाफट कर देते हैं, 1,41,000, 12,000 और 6,000, 159 कितने, 850, 159 कितने, 850। बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितने होंगे, 85, 43। एक पॉइंट का फर्क हो सकता है एक दो का, तो 722, 159 प्लस 17,000 या गया 1,42,000। ये हमारा प्रोसेस बन के रेडी हो गया। बताइए यहां तक किसी बच्चे को डाउट? सर 20 एबनॉर्मल लॉस भी तो है, कहां बोल रहा है इसमें एबनॉर्मल लॉस वाला भी क्वेश्चन नहीं है, अभी जैसे ही आएगा हम बता देंगे, इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस वाला पार्ट अभी नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। तो 782, एक मिनट, 782, चलिए हम इनपुट का लेके चल रहे हैं। यहां पे हमारे दो अजम्पशन है, नॉर्मल वाला, दोबारा सर, नॉर्मल वाला मतलब जो लॉस वेट हुआ है। यहां पे देखो दो क्वेश्चन कहता है, यहां पे हमारे दो अजम्पशन है। इसने कहा था कि भैया हमारे लॉसेस जो है वो 5% है, स्क्रैप वेट लॉस हो तो बिकेगा नहीं, और 10% हमारा स्क्रैप है विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी दोनों में होगा, और रिलाइज इतने का होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या माना है कि जितना इनपुट होगा उसका हमेशा लॉस होगा, जितना इनपुट होगा उसका लॉस होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, इनपुट का लॉस 850 का 15%, 722, ठीक है, 850 का 15%, 722, थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई सर, ये 70 और 200 है, मैंने यहां 70 200 ही ले लिया, ये तो लिया ही नहीं मैंने, यानी यहां भी मटेरियल लगा है सर, मटेरियल 70 यूनिट लगे हैं, 200 तो 14,000, ये और एड ऑन करो फिर नॉर्मल लॉस तो बदल जाएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में देखा गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं होना, बस थोड़ा सा पॉइंट। अब हमारे पास जो इनपुट हो गया वो हो गया 9,712, 920, तो अब आप 920 का निकाल लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और ये भी किसका निकाल लो सर, 920 का 5/100, बस और कुछ नहीं बदला सर, 920 इंटू में 10% इंटू में 200, दैट इज 18,400, ये हो गया 920 92 18,400, 920 इंटू में 5%, ये तो 46 आ गया, 46 इसके यूनिट बदल जाएंगे आपके, आ जाएंगे 920 -92 -46 782, टोटल भी अलग आ जाएगा क्योंकि नीचे का रह गया था 173, ठीक है, 92 46 782, 173, ठीक है। अब 173 में ये माइनस करोगे तो कुछ और आएगा, माइनस में 18, अभी हम एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, माइनस में 18,400 या क्या 154,600, ठीक है सर, ठीक है। अब इसने कहा था पर यूनिट कॉस्ट भी बताओ, तो मैं इसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 154,600 डिवाइडेड बाय 782 डिवाइडेड बाय 782, तो ये आ गया सर 197.69, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गया। सर इसका भी पर यूनिट कॉस्ट बताओ, इसका इधर लिख देते हैं सर, 141 डिवाइडेड बाय 850, 141 डिवाइडेड बाय 850, ये आ गया सर 165.88, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गया। ठीक है, 700 इंटू 200 था। रौनक गोयल सर मटेरियल नहीं लगेगा इन बी में, मटेरियल नहीं लगेगा इन बी में, 700 नहीं था 70 था, 70 मेरे पास 70 दिख रहा है तो मैंने 70 से कर दिया। बताइए सभी बच्चे को क्लियर है ये पॉइंट? सर स्क्रैप भी टोटल का लेना है, बिल्कुल, स्क्रैप हमेशा जितना भी रहेगा इसका इनपुट जाएगा उसी का परसेंटेज निकालेंगे, इनपुट का ही परसेंटेज निकालेंगे, यहां टोटल का ही निकाला ऐसे यहां निकालेंगे। सर जी बताइए,
सर नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में 100 कैसे आया? प्रोसेस बी में 100 कैसे आया? नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में 100, प्रोसेस बी में तो 100 आया ही नहीं, ये तो 100 बटे में 100 है परसेंटेज निकालने के लिए, ये तो आया 92, ठीक है ना, ये तो आया 92। प्रोसेस ए में कैसे आया 100? प्रोसेस ए में 100 आया, ये रहा आपके सामने, 1000 यूनिट डाले थे उसका 10% नुकसान हुआ है, 10% तो ये 100 आया। बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट? क्लियर सर, अमन ने कहा सर क्लियर है, सर प्रोसेस बी रिपीट कर दीजिए। प्रोसेस बी में क्या हुआ कि सबसे पहले जो यहां 850 बना ये आ गया, ये ऐसे आ गया सर, 850 यूनिट बनाया ये टक से यहां आ गया, जैसे ही 850 यूनिट बना और हमारा ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर वेजेस भी इसका खर्चा, मटेरियल, और मटेरियल 70 × 200 यहाँ का खर्चा, जितना इनपुट डाला उसका 10% नॉर्मल लॉस और 5% वेट लॉस, और डिफरेंस निकाल के हमने निकाल लिया। पर यूनिट कॉस्टिंग मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। बताइए सर, क्लियर है सर? तो अभी के लिए अभी आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, अगर कोई होमवर्क होगा तो मैं अलग से अनाउंसमेंट कर दूंगा, अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी सिर्फ आपको जितना कराया गया इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास का हमारा एजेंडा होगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो जाता है, इसके अंदर एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो है वो लेंथी पड़ जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा 3 दिन का टाइम लगेगा, तो 1 हफ्ते का टाइम मानिए ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, 1, 2, 3 नहीं, यूनिट नंबर 4 का पार्ट है ये, ठीक है? तो चलिए सर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक बार लिखने हैं और रिवाइज भी करने हैं, रजिस्टर एकदम फ्रेश होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि पुराने रजिस्टर पेज इधर जा रहा है, कभी इसमें काम कर लिया, एकदम डेडिकेटली आपको काम करना है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आप फटाफट से इसको कर लीजिएगा, अगली क्लास में फिर हम इससे आगे इसको लेके चलेंगे, ठीक है? चलिए सर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।